जय हिंद साथियों। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब सूर्य की ओर बढ़े इसरो के कदम। लॉन्च हुआ भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। सही सुना दोस्तों, इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को 2 सितंबर यानी आज दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्चिंग के समय इसका वजन 321 टन था। PSLV-XL4 स्टेज का रॉकेट है। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद आदित्य L1 से रॉकेट अलग हो गया। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यह सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। बता दें कि आदित्य L1 मिशन को सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। यान के पेलोड सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फीयर, सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, सौर तूफान की उत्पत्ति आदि कारकों का अध्ययन करेगा। वर्तमान समय में इसरो इस बात पर भी अध्ययन करेगा कि आखिर अंतरिक्ष के मौसम पर सूर्य की गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे देश के वैज्ञानिकों की इस सफलता के लिए कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।